हेलो दोस्तों, ACL लिगामेंट हमारे घुटने का महत्वपूर्ण लिगामेंट है दोस्तों, जो ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टीबिया से जोड़ता है। जब ये लिगामेंट टूट जाता है तो पेशेंट धीरे धीरे चल सकता है, लेकिन उसे रनिंग करने में, भागा दौड़ी करने में और ऊंची नीची ज़मीन पर चलने में दिक्कत आती है। मेरे पास कई लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि सर मैं कोई स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ, मुझे कोई आर्मी में नहीं जाना, मुझे पुलिस में नहीं जाना, तो क्या मैं लिगामेंट का इलाज करूँ, ये अपने आप ही जुड़ जाएगा, या कोई इंजेक्शन, या मैं मालिश करा लूँ, या फिजियोथेरेपी करा लूँ? दोस्तों, इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि ACL लिगामेंट वैसे है जैसे गाड़ी में आपकी जो गाड़ी है या साइकिल है वो पंचर हो गई है। अब अगर आपको कोई ये कह रहा है कि इसको रोज़ पानी से धो और ये गाड़ी अच्छे पानी से, आरओ के पानी से इसको धो, तो क्या अपने आप पंचर सही हो सकता है? नहीं दोस्तों, वो पंचर कभी भी सही नहीं होता। कोई आपको ये भी कहता है कि इस गाड़ी को 6 महीने गैरेज में रख लो, अपने आप ही पंचर सही हो जाएगा, तो वो भी कभी सही नहीं होता। तो फिर ACL की ज़रूरत क्या उन लोगों को भी है जिनको कि हाई डिमांड काम नहीं है, टीचर हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या बैंक में काम करते हैं? तो दोस्तों, ACL के लिगामेंट की ज़रूरत हर किसी को होती है, खास करके अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल के बीच है तो ACL लिगामेंट की आपको इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि वो आपके पैर को अंदर से सपोर्ट देता है। कभी भी अगर आपका पैर ट्विस्ट मारता है तो मेनिस्कस ख़राब हो सकता है और कार्टिलेज की इंजरी भी हो सकती है। अगर अपन ACL के ट्रीटमेंट को अवॉइड करते हैं तो आने वाली उम्र में आपको कम उम्र में ही नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आज मेरे साथ एक फ़ाइटर मौजूद है जो गुजरात से हमारे पास आए हैं। आपने हमारे वीडियोस को देखे हों तो हमारे पास कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और आंध्र प्रदेश और हैदराबाद से लेके गुजरात तक के सभी तरह के लोग यहाँ पर ACL के इलाज के लिए आ रहे हैं। 3 खास बातें होती है जिसकी वजह से इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल पेशेंट भी ACL के इलाज के लिए हमारे हॉस्पिटल आते हैं। पहली बात, जो हमारा इलाज होता है उसकी 100% गारंटी रहती है। दूसरा, जो हमारी रिकवरी है वो फास्ट रहती है। और जो तीसरे, चार्जेज है वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता रहता है। भैया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम देव सिंह है। देवाजी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं गुजरात से द्वारका से आया हूँ। तो आपको लिगामेंट का चोट कैसे लग गया था? वो मैं बाइक से गिर गया था। आपको क्या दिक्कतें आ रही थी उसकी वजह से? उसकी वजह से मैं रनिंग नहीं कर पा रहा था, दौड़ नहीं पा रहा था, सब कुछ अभी फिर चल सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। तो आपको आसपास के लोगों ने गांव में मना नहीं किया कि घुटने का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, ये तो बैठे बैठे ही सही हो जाता है? वो किया था लेकिन कुछ वहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा था, फिर मैंने आपको सर का कॉन्टेक्ट। गुजरात तो अपने आप में भी काफ़ी डेवलप्ड जगह है, तो आपके मन में ऐसा नहीं आया कि मैं गुजरात से राजस्थान कैसे जा रहा हूँ? लोग जयपुर से अहमदाबाद जाते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन सर, आपका मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखा था, उसमें आपने अच्छे से समझाया हुआ है, बताया हुआ है, इसलिए मेरा तुम पर ट्रस्ट आया, फिर आपको कॉल किया मैंने। दोस्तों, जब मैंने इनके कैमरा अंदर डाला तो इनके ACL के साथ साथ मेनिस्कस भी टियर था। मेनिस्कस टियर इसीलिए हुआ होगा क्योंकि जो ACL के बाद आप ट्रीटमेंट को लेट करते जाते हो तो घुटने में वाशर फटता जाता है। हर जगह मेनिस्कस का इलाज उपलब्ध नहीं है, काफ़ी सारी जगह मेनिस्कस को काट के निकाल दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मेनिस्कस को रिपेयर करने की फैसिलिटीज़ है और इनका मेनिस्कस मैंने वैसे ही रिपेयर कर दिया है। तो अब मेरी 100% गारंटी कि दोबारा से फॉरेस्ट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबरों से क्लियर कर पाएंगे। आपका ऑपरेशन में कितना दर्द हुआ? दर्द के मारे चीखे ही निकल गई होगी। नहीं नहीं सर, कुछ पता ही नहीं चला। आप ये बोलते हो कि ACL का इलाज में कोई दर्द ही नहीं होता? नहीं नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता। अभी भी पैर मेरा 3 दिन हो गया, मैं अब घर जा रहा हूँ, लेकिन अब भी कुछ दर्द नहीं हो रहा, कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि सर ACL का जो इलाज है वो हम ना कराएं और 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल ऐसे ही निकाल दें, क्या मैसेज आप उनको दोगे? आप ACL और मेनिस्कस, PCL, MCL कोई भी प्रॉब्लम हो घुटने की, ये सर से एक बार कॉन्टेक्ट कीजिए। यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, सब अच्छे से ध्यान रखते हैं हमारा, और एक बार सर से मिलिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। गुजराती में कहीं बोल ही सको छो? हाँ, गुजराती में बोलूँ तो अँ आओ राजस्थान, अने सर ने एक फिर कॉल करो, अँ बधो स्टाफे बधो जोरदार से, अने बधो सारू से, बधी ट्रीटमेंट है बधी सारी से। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ACL लिगामेंट की प्रॉब्लम है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका इलाज कराऊं या चूर्ण चटनी करूं या फिजियोथेरेपी करूं या तेल की मालिश करूं या भेड़ का दूध लगाऊं या गाय के तेल से मालिश करूं या जो भी आपको अंधविश्वास बताए जा रहे हैं, आप अपना समय खराब मत करिए। बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन को आप देखिए जिन्होंने ACL की सर्जरी कराई है, चाहे आप ऋषभ पंत को देखिए, रविंद्र जडेजा को देखिए, टी नटराजन को देखिए, किरण पोलार्ड को देखिए, चेतेश्वर पुजारा, आकाश चोपड़ा, विघ्नेश फोगट, इतने लोग हैं जिनको अगर कोई बोलता कि चूर्ण चटनी तो कहीं से भी खरीद के ले आते, लेकिन इन सब ने साइंटिफिकली रिसर्च करी और अपने पैर का इलाज कराया। एक बार पैर में मेनिस्कस और कार्टिलेज खराब हो गए तो फिर बाद में इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ACL संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर रिपोर्ट भेजिए और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, सारो थे गए हो। थैंक यू।